अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप भी अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि एज ए एंटरप्रेन्योर आप बिलेनियर बन जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो बिलेनियर एंटरप्रेन्योर फॉलो करते हैं, वो किस तरह से बिलेनियर बनते हैं, ये आपको आज के इस वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि बिलेनियर एंटरप्रेन्योर्स क्या सीक्रेट्स फॉलो करते हैं जिससे कि वो बिलेनियर बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विकास शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर, जहां पर मैं आज आपके लिए लेके आया हूं ऐसे 10 सीक्रेट्स जो कि बिलेनियर एंटरप्रेन्योर फॉलो करते हैं और वो अपने करियर में, बिजनेस में ग्रोथ अचीव कर लेते हैं। आइएगा दोस्तों, बात करते हैं अपने हर एक उस सीक्रेट की जो कि बिलेनियर्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला सीक्रेट है रेजिलेंस। दोस्तों, अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बिलेनियर को देखते हैं तो उसके पास्ट में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए होंगे, बहुत सारे सेटबैक्स आए हैं, फेलियर्स हुए हैं, लेकिन अगर आप उनके पास्ट को देखेंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि वो किसी भी सेटबैक्स को, फेलियर्स को क्रॉस करके आगे बढ़ गए हैं। ऐसा वो कैसे कर पाए हैं? बिकॉज ऑफ द रेजिलेंस। तो जब भी आपके सामने कोई भी फेलियर आता है, कोई भी सेटबैक आता है, तो आप उसको एक चैलेंज की तरह से लीजिए, ना कि एक रुकावट की तरह से। और जब आप इस तरह का थॉट अपने माइंड में लेकर आ जाएंगे तो आपको बिलेनियर बनने से, सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, बात करते हैं अपने सेकंड नंबर पॉइंट की, दैट इज द विजनरी थिंकिंग। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बिलेनियर को देखते हैं दोस्तों, तो वहां पर आपने देखा होगा कि उन लोगों का एक विजनरी माइंडसेट होता है। आप किसी भी बिलेनियर को उठा के देख लीजिए जो एंटरप्रेन्योर कैटेगरीज में है, लाइक मिस्टर टाटा, मिस्टर अंबानी, तो अगर आप इनमें नोटिस करेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि इनके पास एक विजनरी माइंडसेट है। ये हमेशा अपॉर्चुनिटीज निकाल लेते हैं। जिन चीजों को हम अक्सर कर रुकावट समझते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे करियर में ये रोक बन रहा है, वो वहीं पर से अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो जब रिलायंस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तो वहां पर टेलीकॉम सेक्टर अनिल अंबानी के पास गया था। उस समय पर एक अग्रीमेंट भी तैयार किया था दोनों भाइयों के बीच में कि किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिशन क्रिएट नहीं किया जाएगा टेलीकॉम सेक्टर में आने वाले कुछ समय तक। तो वहां पर मुकेश अंबानी द्वारा उस टाइम फ्रेम के अंदर एक अच्छी खासी रिसर्च की गई और वहां पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई जो कि आज आपके सामने जियो के नाम से दिख रही है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप इस सीक्रेट को फॉलो करना चाहते हैं तो आप भी अपने आप में कुछ हैबिट डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि आप मार्केट ट्रेंड्स को देख सकते हैं, आप फ्यूचर फोरकास्ट करके फ्यूचर की डिमांड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ताकि आप भी अपने एंटरप्रेन्योर करियर में ग्रो कर पाए। अब बात करते हैं अपने थर्ड नंबर पॉइंट की, दैट इज द रिस्क टेकिंग। दोस्तों, जब भी आप बिलेनियर्स एंटरप्रेन्योर को देखेंगे तो आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि दे आर ऑलवेज विलिंग टू टेक अ रिस्क, क्योंकि जब भी आप रिस्क लेते हैं तो वहां पर आपके रिवॉर्ड भी ज्यादा हो जाते हैं। एक इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट है, मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड, लेस रिस्क लेस रिवॉर्ड। तो जब भी आप इस स्टेटमेंट को देखते हैं और आप इसको मैच करते हैं किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिलेनियर एंटरप्रेन्योर पर, तो आपको ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। आपने शेयर मार्केट में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर, जो कि आज के तारीख में प्रेजेंट नहीं है, बट उनका नाम आपने सुना होगा, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, तो उनका भी यही कहना था कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आपको रिवॉर्ड नहीं मिल सकते हैं। आज की डेट में जब भी हम अपना एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं तो हम रिस्क लेने से कतराते हैं। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आपको एक अच्छे रिवॉर्ड्स नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों, ये है वो एक सीक्रेट जो आप फॉलो कर सकते हैं जब आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप अपने एंटरप्रेन्योर करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं। बात कर लेते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द पैशन एंड परसिस्टेंस। दोस्तों, जब भी आप किसी सक्सेसफुल बिलेनियर को देखेंगे तो वहां पर आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि वो किसी भी काम को करने के लिए पैशनेट होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं अंबानी की, तो आपने नोटिस किया होगा मुकेश अंबानी किसी भी काम को अगर करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करते हैं, तो उनका एक पैशन वहां पर दिखता है। ऑल्दो उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, बट स्टिल वो थॉट उनके माइंड में है, वो पैशन उनके पास है, तभी वो टीम को एंगेज कर पा रहे हैं। इवन अगर आप टाटाज में देखेंगे तो दे आर ऑल्सो पैशनेट अबाउट देयर वर्क, देयर प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे में आपको पैशन डेवलप करना पड़ेगा अपने आप में। आप अपनी पर्सनैलिटीज के अंदर जब पैशनेट हो जाएंगे, परसिस्टेंस आप अपनी पर्सनैलिटी में ले आएंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आप डे बाय डे ग्रो कर रहे होंगे। दोस्तों, इन द जर्नी ऑफ सक्सेसफुल बिलेनियर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कॉन्टिन्यूस लर्निंग।
सो कॉन्टिन्यूस लर्निंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग टू ग्रो इन योर एंटरप्रेन्योर करियर। जब तक आप नई चीजें नहीं सीखेंगे आप एक्चुअली में ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आजकल आपने सुना होगा AI, AI मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट है। हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चीजें बहुत बदल दी हैं। अगर हम आज से 2 साल 3 साल 5 साल पीछे की लाइफ देखेंगे तो वहां पर स्ट्रगल है, वहां पर बहुत सारी चीजों में आपको क्रिएटिविटी खुद से करनी पड़ रही है, बट ऐसे में AI बहुत सारी चीजें करके दे रहा है। तो अगर आप ये नहीं सीखेंगे कि AI को आप अपने बिजनेस मॉडल में कैसे यूज कर सकते हैं, आप अपने करियर में उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप उसका मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं, तो ऐसे में आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी इन योर एंटरप्रेन्योर करियर। तो आप कॉन्टिन्यूस लर्निंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए ताकि चीजें नई जो आ रही हैं इकोनॉमी में, मार्केट में, वो आप सीख पाएं और आप उसे अपने एंटरप्रेन्योर करियर की ग्रोथ के लिए अप्लाई कर पाएं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। ये बात आप भी जानते हैं कि जब तक आपका एक सोशल नेटवर्क नहीं होगा, एक अच्छा बड़ा नेटवर्क नहीं होगा, आपको ग्रो करने में काफी मुसीबतें आ सकती हैं। दोस्तों जब भी हमारा एक सोशल नेटवर्क होता है, एक अच्छा खासा बड़ा नेटवर्क होता है, तो वहां पर चीजों को पास ऑन करना, आइडिया की शेयरिंग लेना, कुछ नए चीजें सीखने में हमें काफी आसानी हो जाती है। तो अनलेस एंड अंटिल कि हम एक बड़ा नेटवर्क बनाएं, हमारे लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में आपके लिए जो एक सीक्रेट है दैट इज द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप वैल्यूएबल इनसाइट्स ले सकते हैं एक दूसरे से डिस्कशंस करते समय, इवन आप ये भी जान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इस तरह के बिजनेस मॉडल में आती हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह की प्रॉब्लम इस बिजनेस मॉडल में रहती हैं, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मैं पहले ही इन प्रॉब्लम को ओवरकम कर लूं, ताकि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए और उस तरह की प्रॉब्लम जो पहले क्रिएट हो चुकी हैं आप उनको दोबारा से फेस ना करें। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन। दोस्तों आज की डेट में कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप अपना कोई भी करियर स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर केवल और केवल आपका मोटिव पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, रादर एक वैल्यू क्रिएट आपकी होनी चाहिए। आप ऐसा कोई काम करें जिससे कि आप लोगों में एक वैल्यू क्रिएट कर पाएं, लोगों में वैल्यू एडिशन कर पाएं, चाहे वो आपके बिजनेस मॉडल में हो, चाहे वो आपके कस्टमर्स के लिए है, चाहे वो आपके एम्प्लॉई के लिए है या सोसाइटी के लिए है। तो आज की डेट में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द वैल्यू क्रिएशन, क्योंकि अगर आप किसी की लाइफ में वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं तो वो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप वैल्यू क्रिएशन नहीं कर रहे हैं तो वहां पर आपको लॉन्ग रन में प्रॉब्लम आ सकती है। बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द इनोवेशन एंड अडॉप्टेबिलिटी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। दोस्तों मान लीजिए आप कोई भी एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं या कोई भी आप एक ऐसी चीज बनाते हैं जिससे कोई इनोवेटिव चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है, या जो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि लोग इजीली अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक हर्डल बन जाएगा। जब भी आप अपने एंटरप्रेन्योर करियर की ग्रोथ चाहते हैं तो वहां पर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि इनोवेशंस डेवलप हों, या आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं या आप ऐसी कोई सर्विस बना रहे हैं जो कि इजीली अडॉप्टेबल हो जाए। जैसे कि अगेन मैं आपको AI का एग्जांपल दूंगा, आज की डेट में ChatGPT बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, AI यूज कर रहे हैं। तो ये AI क्या है? AI एक अडॉप्टिव यूजर इंटरफेस है जहां पर लोग आसानी से अपने इनपुट्स दे पाते हैं, देन उससे अपना रिजल्ट जनरेट कर पाते हैं, आउटपुट ले पाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करें या कोई भी आप काम करें तो वो इजीली अडॉप्टेबल होना चाहिए ताकि लोग उसको आराम से अडॉप्ट कर पाएं और अडॉप्ट करके अपने लाइफ में उससे वैल्यू एडिशन कर पाएं। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों, दैट इज द लॉन्ग टर्म थिंकिंग। दोस्तों जब भी आप किसी बिलियनियर एंटरप्रेन्योर के ट्रेंड्स को देखेंगे तो वहां पर आप ये पाएंगे कि उनके पास एक हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रहता है, उनके पास एक हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग रहती है। वो जब भी कोई काम करते हैं तो वो छोटे समय के लिए नहीं करते हैं, उनका प्लान हमेशा बड़ा होता है। जैसे अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा जियो का। तो जियो ने हमेशा अपने पास एक लॉन्ग टर्म विजन रखा, उस लॉन्ग टर्म विजन के चलते ही वो आज एक बहुत बड़ा प्लेयर बन पाया है। एंड इनफैक्ट मैं कहूँ तो इंडिया में से जियो ने बहुत सारे कॉम्पिटिटर को खत्म ही कर दिया है। अब बात कर लेते हैं अपने वीडियो के आज के इस लास्ट पॉइंट की, जो कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जब भी आप चाहते हैं अपने एंटरप्रेन्योर करियर में ग्रोथ करना। दोस्तों आपने जो भी चीजें ली हैं वो इस नेचर से ली हैं, इस सोसाइटी से ली हैं।
तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी को भी वापस करें। सो माय पॉइंट नंबर 10 एंड लास्ट इज गिविंग बैक टू द सोसाइटी। दोस्तों ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सोसाइटी को कुछ ना कुछ वापस करें। जितने भी आप बड़े एंटरप्रेन्योर देखते हैं लाइक अंबानी लाइक टाटास या कोई भी आप उठाकर देख लीजिए, तो वहां पर आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि दे आर ऑल्सो रेडी टू वर्क फॉर द सोसाइटी। वो सोसाइटी को चीजें वापस देते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो मनी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो वेलफेयर फॉर्म में हो सकता है, या किसी भी प्रोडक्ट की इनोवेशन जिससे कि लोगों की लाइफ आसान हो जाए, लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन आ जाए। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप एंटरप्रेन्योर करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो आपको सोसाइटी को चीजें वापस करनी पड़ेंगी। दोस्तों अगर मैं वैसे बात करूं तो ये बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, जिसके बेसिस पर मैं आपको चीजें बता सकता हूं कि कैसे एक बिलियनियर एंटरप्रेन्योर बना जा सकता है, बट स्टिल मैंने कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट करे हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप भी अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो आप इन सीक्रेट्स को फॉलो करके ग्रोथ ले सकते हैं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाए गए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।